हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बैड एंड क्रेजी कोरियन ड्रामा लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट होता है सुयोल के ड्रीम से, जिसमें वो एक बॉक्सिंग रिंग में रहता है और उसकी बहुत बुरे तरीके से पिटाई हो रही होती है। उसकी अचानक से आंख खुलती है और वो देखता है कि वो एक बाथटब में है। वो वहां से बाहर निकलता है और कपड़े चेंज करके चला जाता है। सुयोल रेडी होके पार्किंग लॉट जाता है अपनी कार लेने के लिए। तभी वो देखता है कि उसकी कार बहुत ही डैमेज कंडीशन में वहां पे खड़ी है। उसे ये देख के बहुत गुस्सा आता है और वो सीसीटीवी रूम पहुंच जा रहे अपने पार्किंग लॉट के सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए। वहां पर जाके उसे पता चलता है कि ये सब उसी ने किया है और सीसीटीवी फुटेज में भी उसी की फोटो आ रही है अपने कार को डैमेज करते हुए। वो वहां पे कुछ नहीं बोलता और वहां से वापस चला जाता है। सुयोल जो एक नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट में पुलिस ऑफिसर है, पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां पे उसे हीग्योंग दिखती है। सुयोल उसे अवॉइड करने की कोशिश करता है पर वो उसका रास्ता रोक देती है। हीग्योंग सुयोल पे बहुत गुस्सा करती है किसी ऑफिसर काइसिक के पुलिस इन्वेस्टिगेशन को लेके। वो उसे बोलती है कि तुम एक पुलिस ऑफिसर की इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकते हो। काइसिक की तो खुद की जान जाने वाली थी उस क्रिमिनल को पकड़ते हुए। सुयोल बोलता है कि ये उसका जॉब है और वो वही कर रहा है जो उसे करना चाहिए। हीग्योंग को और गुस्सा आता है ये सुन के और वो सुयोल को हाथ पकड़ के जमीन पे पटक देती है। उसे बहुत दर्द होता है पर वो कुछ भी ध्यान नहीं देती और वहां से चली जाती है। सुयोल अपने पार्टनर जेसुन के साथ में इंटरोगेशन रूम में जाता है जहां पे काइसिक उन लोग का वेट कर रहा होता है। पूछताछ शुरू करने से पहले सुयोल काइसिक को हैंडशेक करने के लिए हाथ बढ़ाता है पर काइसिक उससे हैंडशेक नहीं करता, ये बोल के कि ये सब करने का सही समय नहीं है। सुयोल हंसता है और फिर अपनी सीट पे बैठ जाता है। सुयोल मिनसू का रेज्यूमे देखता है और काइसिक से कुछ क्वेश्चन पूछता है। वो बोलता है कि हमें बताओ कि वहां पे हुआ क्या था। काइसिक इंसिडेंट के बारे में बताने लगता है और तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि काइसिक एक जगह पे पहुंचता है जहां पे मिनसू ने उसे बुलाया था। वो देखता है कि मिनसू उसके सामने नीचे गिर गया है, किसी ने उसे मार दिया है और तभी दूसरा आदमी वहां से जा रहा होता है। वो उसका पीछा करने की कोशिश करता है पर उसे ही चाकू मार के वो आदमी वहां से भाग जाता है। सुयोल काइसिक को सैंगहू की फोटो दिखाता है और बोलता है कि ये वही तीसरा आदमी है जो वहां पे उस रात को था और ये तो मिनसू का फ्रेंड था, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मिनसू उसको हर्ट करेगा। काइसिक बोलता है कि ये सब उसने ड्रग्स के लिए किया होगा। सुयोल उसे बताता है कि क्राइम लोकेशन पे कोई भी ड्रग्स नहीं मिला है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये ड्रग्स का केस होगा। सुयोल को लगता है कि काइसिक ने सैंगहू का मर्डर किया था जो तीसरा आदमी वहां पे मौजूद था उस रात। वो ये बात बार बार बोल के काइसिक को उकसाता है और वो फाइनली कन्फेस कर देता है कि उसी ने सैंगहू का मर्डर किया था और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सैंगहू ने उसके फ्रेंड मिनसू का मर्डर किया था। काइसिक के कन्फेशन के बाद सुयोल खुश हो जाता है और उसे ये भी लगता है कि हो न हो काइसिक ने ही मिनसू को मारा होगा। सुंग हो कमिश्नर है जो ये सारा इंट्रोगेशन देख रहा होता है और वो सुयोल की बहुत तारीफ भी करता है। सुयोल बोंगपिल के पास जाता है, बोंगपिल उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है ये केस पूरा करने के लिए और वो उसे ये भी बताता है कि सांगहू बहुत नफरत करता है काइसिक से क्योंकि उसने उसके भतीजे को गिरफ्तार किया था। अगर तुम ये केस पूरा क्लोज कर दो और काइसिक को जेल भेज दो तब तो नेक्स्ट प्रमोशन तुम्हारी पक्की है। सुयोल सोना में रिलैक्स कर रहा होता है तभी वहां पे एक आदमी आता है जिसने हेलमेट पहना होता है, उसका नाम के है। के सुयोल को उठा के सोना रूम से बाहर फेंक देता है।
बाहर फेंक के उसकी बहुत पिटाई करता है और इतना पीटता है कि सुयोल फाइनली बेहोश होके पूल में गिर जाता है। क्यूंगटाई जो पुलिस में है देखता है रास्ते पे जाते हुए कि एक छोटी सी लड़की अपने मॉम की मिसिंग पोस्टर चिपका रही होती है दीवार पे। वो उसे पूछता है कि तुम्हारी मम्मी नहीं है क्या, कहाँ चली गई है। वो उसे बताती है कि मेरी मॉम बहुत दिन से मिसिंग है, वो मुझे हमेशा लेटर भेजा करती थी पर अभी काफी दिनों से उन्हें कोई भी लेटर नहीं आया है। क्यूंगटाई उस छोटी लड़की को पुलिस स्टेशन लेके जाता है। वो वहाँ पे उसकी मॉम यूना के मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश करता है। तभी उसे बताया जाता है कि उस केस का इंचार्ज दूसरा पुलिस ऑफिसर इनबॉम है। क्यूंगटाई इनबॉम के जाके यूना के बारे में पूछता है तो वो उसे बोलता है कि तुम अपने आप को इस केस में इन्वॉल्व मत करो। वो उसे ये भी बताता है कि यूना एक बहुत ही बेकार औरत थी और वो अपना घर छोड़ के जा चुकी है, तो ये अब मिसिंग केस नहीं है। क्यूंगटाई उस छोटी सी लड़की को अपनी नानी के घर जहाँ पे वो रहती थी वहाँ पे ड्रॉप करने जाता है। रास्ते में वो लड़की उसे बताती है कि मेरी मॉम हर संडे मुझसे मिलने आया करती थी। वो बोलती है कि मेरी मॉम जब यूएस में थी तब मुझे डेली लेटर लिखा करती थी और उन्होंने ये भी मुझे बताया कि मेरे बर्थडे के लिए उन्होंने गिफ्ट भी खरीद लिया है और मुझे देने भी आएंगी, पर पता नहीं मेरी मॉम तो अभी तक आई ही नहीं है। क्यूंगटाई उस लड़की से प्रॉमिस करता है कि हम मिलके तुम्हारी मॉम को ढूंढ लेंगे और वो वहां से ड्रॉप करके उसे चला जाता है। सुयोल अपने प्रमोशन को लेके बहुत टेंस होता है और वो देख रहा होता है कि उसके सामने बहुत लोगों के प्रमोशंस हो चुके हैं पर उसका प्रमोशन अभी तक पेंडिंग है। वो अपने सुपीरियर बोंगपिल से बात भी करता है प्रमोशन के लिए पर बोंगपिल भी कुछ न कुछ बहाना कर ही देता है हमेशा। क्यूंगटाई यूना के बारे में इधर उधर पूछताछ करना शुरू कर देता है। वो उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकालता है तो उसे एक अपार्टमेंट का एड्रेस मिलता है वहां पे। वो उस अपार्टमेंट में जाता है और पूछताछ करता है तो किसी लेडी से पता चलता है कि यूना उसकी नेबर थी। क्यूंगटाई यूना के फ्लैट पे पहुंच के नॉक करता है बाहर से पर अंदर से कोई दरवाजा नहीं खोलता। फिर वो बाहर से दरवाजा खुलवाता है और फ्लैट के अंदर चला जाता है। यूना का अपार्टमेंट बहुत ही नीट एंड क्लीन होता है पर उसके वॉशरूम से बहुत ही स्ट्रांग स्मेल आ रही होती है। वो उसके बाथरूम जाके चेक करता है तो उसे बाल का गुच्छा मिलता है जिसमें ब्लड लगा होता है। तभी इनबॉम वहां पे आ जाता है और उसकी बहुत बुरे तरीके से पिटाई करता है। बोंगपिल सुयोल को एक नया केस हैंडओवर करता है जो केस इनबॉम और क्यूंगटाई का ही होता है। वो उसे बताता है कि ये केस इनबॉम से रिलेटेड है क्योंकि असेंबलीमैन यूगॉन इनबॉम का कजन है और वो इलेक्शन में लड़ रहा है। अगर इनबॉम के कारण उनके इलेक्शन कैंपेन में कुछ गड़बड़ होती है तब उनके लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तुम अगर इस केस को अच्छे से करते हो हैंडल तब तुम्हारा प्रमोशन पक्का रहेगा। सुयोल के भाई का एक पिज्जा रेस्टोरेंट होता है, वहीं पे सुयोल और असेंबलीमैन योगॉन मिलते हैं। वो दोनों अच्छे से बातें करते हैं और सुयोल अपना बहुत अच्छा इम्प्रेशन भी बनाता है उनके सामने। वो मिलके वहां से चले जाते हैं। सुयोल इनबॉम और क्यूंगटाई के केस का इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। वो क्यूंगटाई के पुलिस स्टेशन जाता है उससे मिलने के लिए। वो उसका फेस देख के बहुत हैरान हो जाता है कि कितने बुरे तरीके से इनबॉम में इसकी पिटाई की है। सुयोल क्यूंगटाई को बोलता है कि देखो अब जो हो गया, तुम इनबॉम से सॉरी बोल दो और इस केस को यहीं पे खत्म करते हैं। क्यूंगटाई उसे यूना से रिलेटेड सारे इंसिडेंट बताता है। फिर उसके बाद ये भी बोलता है कि वो उस फ्लैट में जब गया तो वहां पे उसे बालों का गुच्छा मिला था जिसमें ब्लड स्टेन्स भी थे। ये प्रूफ करने के लिए क्यूंगटाई सुयोल को यूना के फ्लैट में लेके जाता है। वहां पे वो जब जाके चेक करता है तो उसे कोई भी बालों का गुच्छा नहीं मिलता। वहां पे एकदम सफाई की हुई होती है, नीट एंड क्लीन होता है सब कुछ। सुयोल क्यूंगटाई को समझा देता है कि देखो इस केस को हम लोग जल्दी खत्म कर देते हैं, बस तुम इनबॉम को सॉरी बोल दो सब कुछ हो जाएगा। क्यूंगटाई उसे इंसिस्ट करता है कि देखो मुझे लगता है कि इस केस में जरूर कुछ गड़बड़ है, प्लीज इसको इन्वेस्टिगेट करो।
पर सुयोल उसकी एक बात नहीं मानता। सुयोल इनबॉम से भी मिलने जाता है। इनबॉम उसे बोलता है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, वो मेरे केस में टांग अड़ा रहा था तो मैंने उसकी जमके धुलाई कर दी, और वैसे भी वो लड़का बहुत ही फालतू है, बस अटेंशन के लिए मेरे केस में टांग अड़ा रहा है। इनबॉम उसे याद दिलाता है कि मेरे कजिन जो असेंबली मैन यूगॉन है, उन्होंने तो बोला था कि तुम इस केस को अच्छे से टैकल कर लोगे। इस पे सुयोल थोड़ा चिढ़ जाता है और उसे उल्टा सुना देता है कि वो अपना मुंह बंद रखे और उसे अपना काम करने दे। सुयोल और उसका पार्टनर जेसन क्यूंगटाई की फाइल देखते हैं और उसको चेक करते हुए उन्हें लगता है कि इसका रिकॉर्ड तो एकदम ही क्लीन है, ये ऐसा बंदा तो लगता नहीं जो कुछ गलत काम करेगा। इधर क्यूंगटाई यूना के फ्लैट में फिर से जाता है कुछ न कुछ सुराग ढूंढने के लिए। इनबॉम क्यूंगटाई को एक असॉल्ट केस में फंसाने की कोशिश करता है जो यूना की नेबर थी, पर वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि सुयोल इनबॉम को वार्न कर देता है कि तुम ऐसा वैसा कुछ मत करो जो तुम्हारे अगेंस्ट होगा, ये केस मैं हैंडल कर रहा हूं तो मुझे ही करने दो हैंडल। इनबॉम और क्यूंगटाई के केस की हियरिंग होती है कोर्ट में और दोनों को ही कुछ पे कट दिया जाता है और एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। इतना कुछ होने के बाद भी क्यूंगटाई को चैन नहीं होता है, वो फिर से यूना के फ्लैट पे जाता है और वहां पे देखता है कि वो फ्लैट का रेनोवेशन हो रहा होता है। क्यूंगटाई वहां पे ही कुछ सामान देख रहा होता है तभी उसे एक टेडी बेयर दिखता है और वो उस टेडी बेयर को वहां से चुरा के चला जाता है। असेंबलीमैन गुयोन अपनी बेटी के बर्थडे पे बहुत बड़ी पार्टी रखते हैं, वहां पे सारे पुलिस वाले भी आए होते हैं। पार्टी में ही गुयोन ने किसी को बात करते हुए सुना होता है कि एक टॉय होता है जिसमें बेबी मॉनिटर भी होता है और रिकॉर्ड भी होता है सब कुछ। तब उन्हें कुछ रियलाइज होता है और वो फ्लैशबैक में कुछ याद करते हैं। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि एक लड़की पड़ी होती है फ्लोर पे जिसके बॉडी से ब्लड भी आ रहा होता है और बगल में ही असेंबलीमैन गुयोन भी ड्रंक हालत में खड़े रहते हैं और उसकी बॉडी पे चिल्ला रहे होते हैं। असेंबलीमैन गुयोन को तभी याद आता है कि उस रूम में एक टेडी बेयर भी था। क्यूंगटाई को लगता है कि यूना ने ये टेडी बेयर हो न हो अपनी बेटी के बर्थडे के लिए लिया होगा। वो टेडी बेयर लेके उसके घर जाता है पर उसे पता चलता है कि वो लड़की और उसकी नानी वहां से चले जा चुके हैं। वो टेडी बेयर क्यूंगटाई के हाथ से गिर जाता है और तभी वो देखता है कि उसमें एक हिडन कैमरा है और एक मेमोरी चिप भी है। क्यूंगटाई जल्दी से अपने घर जाता है और वो मेमोरी चिप को अपने लैपटॉप पे लगाता है। जब ही वो वीडियो देखने वाला होता है तब इनबॉम वहां पे आ जाता है और उसे बोलता है कि ये मेमोरी चिप उसे दे दे। क्यूंगटाई को लग रहा होता है कि यूना का मर्डर हो चुका है शायद, और हो ना हो इसमें इनबॉम का हाथ जरूर है। वो उसे मेमोरी चिप नहीं देता है और उससे वापस लड़ाई करता है। इनबॉम क्यूंगटाई को बहुत बुरे तरीके से पीट देता है। इसी बीच में क्यूंगटाई उस चिप को निगलने की कोशिश करता है पर वो नहीं कर पाता और उसको बहुत बुरी तरीके से पीट के उसके मुंह से इनबॉम चिप निकाल देता है और उसी हालत में उसे छोड़ के वहां से चला जाता है। इनबॉम ने जाते हुए वहां से गैसोलीन गिरा दिया होता है जिससे घर में थोड़ी थोड़ी आग लगने लगती है। पार्टी से घर जा रहा होता है टैक्सी लेके, उसे रास्ते में ठीक नहीं लगता तो वो अब ड्राइवर को बोलता है कि कार को थोड़ा धीरे चलाओ। जब सुयोल की आंख खुलती है तब वो देखता है कि यहाँ तो कोई ड्राइवर ही नहीं है और कार चल भी नहीं रही है, कार एक्चुअल में पार्क्ड है और के उसके कार के आगे वाली पार्ट पे कूद रहा होता है। सुयोल को वॉमिटिंग आने लगती है, वो कार से बाहर निकल के वॉमिट करने लगता है। तभी के आके उसकी और पिटाई करता है और उसे बोलता है कि तुम्हें क्यूंगटाई से माफी मांगनी चाहिए। के सुयोल को बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे लेके जाता है जो क्यूंगटाई का अपार्टमेंट बिल्डिंग होता है। जैसे ही वो क्यूंगटाई के फ्लैट का गेट खोलता है तो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। सुयोल वहां से भागने की कोशिश करता है पर के उसे फिर से पीटता है और उसे उठा के क्यूंगटाई के फ्लैट के अंदर फेंक देता है। सुयोल देखता है कि क्यूंगटाई फ्लोर पे पड़ा हुआ है, वो उसके पास जाता है, उसे जगाने की कोशिश करता है पर
वो पूरी तरह बेहोश हो चुका होता है। सुयोल और के देखते हैं कि पूरा फ्लैट एक्सप्लोड होने वाला है। वो जल्दी से क्यूंगटाई को लेके वहां से विंडो से नीचे कूद जाते हैं। सुयोल और क्यूंगटाई एक कार के ऊपर आके गिर जाते हैं। सुयोल देखता है कि उसके साथ के तो है नहीं। तभी सुयोल देखता है कि के एकदम सुपर हीरो के स्टाइल में कार के फ्रंट साइड में आके गिरता है। वो गिरता भी नहीं है, उस पे आके खड़ा ही हो जाता है। के कंधों पे आग लगी होती है। वो अपने ही हाथ से आग को बुझाता है और अपना हेलमेट उतारता है। हेलमेट उतार के वो बहुत हंसने लगता है और सुयोल के पास आता है। सुयोल के पास आके वो उसे बोलता है, तुमसे मिलके अच्छा लगा सुयोल। फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट यहीं पे एंड होता है। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।